राजनेता क्या करते हैं, एक दिन आते हैं, प्रदर्शन किया और उनके समर्थक बने हुए हैं, ट्रोल करने वाले बने हुए। देखो हमारे नेता ने आवाज उठा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित वर्मा और द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के युवा सालों से एक मांग कर रहे हैं और वो ये मांग है कि उनकी हर भर्ती निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन हर भर्ती परीक्षा में ये जो नकल गिरोह कानून है, ये उन लाखों युवाओं के सपनों पर कुंठाराघात कर देते हैं जो सालों से मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं। इन नकल विरोधी जो गिरोह हैं, जो नकल के संगठित अपराध करते हैं, गिरोह हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पिछले 2 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अप्रैल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक राहत दी, लेकिन ये राहत छोटी थी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सिर्फ 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन उपेन्द्र ने हार नहीं मानी और इस कानून को उम्र कैद में बदलवा कर ही सांस ली है। मेरे साथ उपेन्द्र यादव मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। उपेन्द्र, आखिरकार 3 सालों से जो संघर्ष चला आ रहा था वो पूरा हो गया? मेरा मानना यह है कि संघर्ष आप लगातार करोगे और संघर्ष पूरी मेहनत के साथ करोगे तो संघर्ष कामयाब होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको पूरा कामयाब नहीं कह सकते हैं। अभी कानून, हमारी मांग, हमारे संघर्ष के बदौलत उम्र कैद की सजा का कानून आया, लेकिन जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो उसको धरातल पर लागू करें, जो युवाओं को सपनों को बेचने वाले हैं वो हमेशा के लिए जेल में नहीं चले जाए, उम्र कैद की सजा कानून के लिए लागू नहीं हो जाए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं हो जाए तो, और उनका आर्थिक दंड नहीं हो जाए, उनकी कमर टूटना जरूरी है। आज भी मुझे याद है कि जब रीट का पेपर हुआ, जिस समय युवाओं की क्या हालत थी, 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मैं उनके बीच में गया, मैं परीक्षा केंद्रों पे पहुंचा, उनके हालत देखे, कई बहनें ऐसी थी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आई थी, उनके आंखों में आंसू देखे, तो उस समय मैंने मन में एक संकल्प लिया था कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा कानून आए जो युवाओं को सपनों को बेचने से बचाए। 28 दिसंबर को सबसे पहले हमने शहीद स्मारक पर हमने आंदोलन का आगाज किया। 4 दिसंबर को हजारों की संख्या में चौमू में हमने रैली निकाली। 4 जनवरी को चौमू में, 6 जनवरी को हमने नागौर नावों में, 10 को कर्मचारी चयन बोर्ड और 11 जनवरी को जोधपुर सरदार शहर में हजारों की संख्या में हमने रैली निकाली। 13 जनवरी को शाहपुरा में, फिर 16 जनवरी को अलवर में, फिर 19 जनवरी को, फिर 23 जनवरी को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, फिर बीच में कुचामन नागौर में भी एक बड़ी रैली थी और इसके अलावा थानागाजी में रैली निकाली और 7 फरवरी को RPSC के बाहर हमने बड़ा प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज कर दिया गया। लगातार हम मांग कर रहे थे और जब मैंने 3 मार्च को जब अनशन शुरू किया, जब लाठीचार्ज के विरोध में, जब 12 मार्च को मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि युवाओं को सपनों को बेचा जा रहा है, इन पेपर लीक माफियों को खात्मा के लिए हमें उम्र कैद की सजा का कानून की आवश्यकता है और मैंने कहा कि ऐसा कानून आएगा तो कहीं ना कहीं इनकी कमर टूट सकती है। अभी क्या होता है, पकड़े जाते हैं, उनकी जमानत हो जाती है और फिर वो पेपरों को बेचने का काम कर देते हैं, युवाओं को सपनों को बेचने का काम। उपेन, पिछले दिनों जो भर्तियां हुई थी जिनके पेपर आउट हुए थे या नकल हुई थी, हमने देखा ये वो सभी लोग हैं जिनका नाम पहले भी आ चुका है। आपने ये बात मुख्यमंत्री के सामने 2 बार रखी, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वही अपराधी हैं, नए अपराधी नहीं आए हैं, ये पहले भी नकल जो गतिविधियां थी, नकल करने की, पेपर लीक की गतिविधियां, उनमें संलिप्त थे। देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस मांग को माना और कानून लेके आ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि आप धन्यवाद क्यों दे रहे हो और आप लोग सरकार के पक्ष में क्यों बोल रहे हो, जब हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग सरकार ने मांगी मानी है और भी मांग हम कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, तत्काल उनको उम्र कैद की सजा हो। जब कोई हमारा काम कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, लेकिन साथ में वो मांग भी कर रहे हैं। वही उपेन्द्र यादव जो लखनऊ गया था, गुजरात गया था, जहाँ सरकार गलत करती है सबसे पहले विरोध करता हूँ, जहाँ काम अच्छा होता है मैं धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी एक रणनीतिक तहत युवा बेरोजगारों का भविष्य छुपा है, उनका भलाई, उनकी अच्छाई छुपी है। आज हम लगातार 1 लाख भर्तियों की परीक्षाओं का, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, उनकी विज्ञप्तियां जारी करने की मांग करें, कोई राजनेता नहीं कर रहा, उपेन्द्र यादव कर रहा है। आज जिस प्रकार गोपाल कैसावत पकड़ा गया, ओमार शीट उनके मोबाइल में पाई गई, तो उसकी जांच की मांग करें। हम 25 जुलाई को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि वो ओमार शीट प्रकरण की उसकी जांच हो, गोपाल कैसावत के कनेक्शन किस किस नेता से, किस किस से वो दावा कर रहे हैं, RPSC सदस्यों का जो परिवार है उसकी भी जांच हो। जो SI भर्ती में, मैं नहीं चाहता SI भर्ती में कई अभ्यर्थियों को मेरे पास मैसेज आए कि हम सही हैं, कई ऐसे अभ्यर्थियों को मैं जानता हूं जो धरना प्रदर्शन आए थे कि हमने मेहनत की 3-3 साल से, हमारा चयन हो रहा, हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि योग्य और पढ़ने वाले अभ्यर्थी के साथ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि 100 लोगों का यहाँ से नंबर आया है या जो पूरा RPSC सदस्य के संतानों का नंबर है, उसकी जाँच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
और जो उमर सीट वाला प्रकरण है कि वो उसकी जांच के मांग कर रहे हैं, और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति यूपीएससी की तर्ज पर, या ऐसी पारदर्शिता को कमेटी बनाई है जज साहब की या विपक्ष के नेताओं को सबको मिलाकर कमेटी बनाई है, ऐसी निष्पक्ष और ईमानदार और ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ भर्ती को पूरी करा पाए। बिल्कुल आप चाहिए तो जो नए नवनियुक्त आईएएस आईपीएस आते हैं, जैसे दिनेश एमएन साहब है, जैसे मर्दुल खचावा जी हैं आईएएस, जिनकी नौकरियां बची हैं उनको लगा दीजिए। ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं करवाएं। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए, लगातार सबसे पहले विरोध करने वाले हमें, लगातार कई सालों से विरोध कर रहा हूं। इंटरव्यू प्रथा समाप्त होनी चाहिए। राजनेता क्या करते हैं, एक दिन आते हैं, प्रदर्शन किया और उनके समर्थक बने हुए हैं, ट्रोल करने वाले बने हुए। देखो हमारे नेता ने आवाज उठा दी, एक उपेन्द्र यादव है जो 24 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 10 से 11 बड़े प्रदर्शन किए और लगातार आवाज उठाई, और आज भी आवाज उठाई। इस दौरान लाठियां भी खानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, और युवाओं के लिए चाहे 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियों की बात हो, बजट में घोषणा कराने की बात हो, पेपर लीक माफियों के खिलाफ लड़ने की बात हो, कानून के लिए लड़ने की बात हो, और जो पहले वाला जो कानून जो 5 अप्रैल 2022 को आया था उसके लिए भी मुझे याद है कि जब मैं 14 अक्टूबर को जब अनशन पे बैठा था 2021 में, जब मेरा अनशन तोड़वाया गया था, तब सरकार ने वादा किया था, अनशन के कारण ही वो कानून आया था। और ये जो हमने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और ये दूसरा अनशन हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी से 12 मार्च को सहमति बनी, इसके बाद ये कानून आ रहा है। युवाओं का दर्द मैं जानता हूं, युवाओं की पीड़ा मैं जानता हूं, किस प्रकार वो तैयारी करते हैं, उनको सपनों को बेचने का काम ये माफिया करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि जितने पेपर लीक माफिया नकलची जो पकड़े गए सारे राजस्थान के हैं, माफिया राजस्थान के ना, विदेश के ना अन्य राज्यों के। यदि इच्छा शक्ति मजबूत ही तो एक अभियान चलाकर इनको खत्म किया जा सकता है। और ये मैं कह रहा हूं, हम एक ही सरकार के, जैसे कांग्रेस सरकार के लिए हम कह रहे हैं, ये आज के नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार, यानी कि कई सालों से पनपे हुए हैं। यदि हम उनका पहले खात्मा कर देते तो ये बड़ा रूप नहीं लेते। जिस प्रकार सुरेश डाका का रीट में नाम आया, वो सेकंड ग्रेड में कांड कर दिया, जिस प्रकार आरपीएससी सदस्य का नाम पहले घुसकांड प्रकरण में आया, उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो क्या बाबूलाल कटारा इतनी बड़ी हरकत कर पाता? क्योंकि हम क्या होता है, कई कारण है। एक कारण मैं आपको बताऊंगा, पेपर लीक का और भ्रष्टाचार का कई कारण है, जिसमें प्रमुख रूप से राजनीतिक नियुक्ति, जिसकी राजनीति नियुक्ति होती है, जिसने इसकी नियुक्ति करवाई उसकी गुलामी वो करता है, भाई भतीजावाद, रिश्तेवाद, राजनीतिकरणवाद सब होता है उसमें। दूसरा कारण कि हम ये सोचते हैं सरकार किसी की भी हो कि पेपर लीक हो गया उसको पता चले इस मामले को दबा दो, रद्द कर दिया तो मीडिया सवाल उठाएगी और सरकार की बेइज्जती होगी और हमारे वोट गट जाएंगे, यानी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए युवाओं के सपनों को दाव लगा देते हैं। यदि उस समय ये सोच रहे चल ठीक है 2 दिन बदनामी होगी सरकार की, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ फेंक देते तो ये बड़ा रूप नहीं लेते। तो इच्छा शक्ति सरकारों की, इस सरकार की नहीं कर, कोई भी सरकार की है, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उनका खात्मा करने के लिए बीजेपी कांग्रेस सबको एक जगह आना होगा, इस कानून को मजबूती से धरातल पर लागू करना होगा। कानून हमारी मांग पे लेके मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन इसको तत्काल लागू करें, क्योंकि ये राष्ट्रपति महोदया जी के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, बीजेपी भी वहां निवेदन करे, इसको अनुमोदन करवाए, और इसमें कोई कमी है तो बीजेपी उस कानून को में बताए इसमें ये कमी है, वो उस कमियों को दूर करे, मिलजुल कर मेरे राजस्थान के युवाओं को बचाने का काम करे। मैं हाथ जोड़कर राजस्थान के युवाओं की तरफ से, मैं तमाम नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि कानून को धरातल पर लागू करने में इसकी जो कमियां दूर करे, लागू करवाए, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के सपनों को बेचने से बचाया जा सके। बिल्कुल उपेन, देखिए आप लगातार पेपर लीक के मामले उठाते रहे हैं, कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गोपाल केसावत एक ऐसा नाम जो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई 2 दिन पहले शहीद स्मारक पर वो मौन जुलूस में सूत काट रहा है, बड़े बड़े नेताओं के साथ। पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं। उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में भी खड़ा करती है कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं शय पे हो रहा है। देखो जो परिवादियों ने 2 लोगों का नाम बताया, 2 सदस्य, मंजू सैनी जी का नाम बताया, उन्होंने संगीता आर्य जी का नाम बताया, तो उनको मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, जवाब देना चाहिए। हम लगातार मांग कर 25 जुलाई को हम जवाब मांगेंगे कि वो मार्कशीट आई है उसकी सरकार खुलासा करे, जाँच करे। सवाल ये उठ रहा है, पूर्व आरपीसी चेयरमैन जिसके 2 संतानों का इस एसआई भर्ती में चयन हुआ, वो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उनको लगाया गया था, वर्तमान में बाबूलाल कटारिया सरकार के द्वारा लगाया गया था। दोनों सरकारों में राजनीति नियुक्तियां हुई, जब तक राजनीति नियुक्तियां बंद नहीं होंगी, दोनों सरकारों में राजनीति नियुक्तियां हो रही है, तब तक ये चलता रहेगा। हम लगातार मांग कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा कि आरपीसी को भंग किया जाए, आरपीसी भंग नहीं हो सकती, आरपीसी संवैधानिक संस्था है, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है, आरपीसी कमीशन को भंग किया जाए, आरपीसी
मैं कोई बोले कि राज्यसभा को भंग कर दो, राज्यसभा थोड़ी भंग हो सकती है। आप कहो कि उनके सदस्यों की सदस्यता भंग की जाए, वो हो सकता है। तो आरपीसी भंग नहीं सकती, लेकिन उनके कमीशन को भंग किया जाए, तमाम नए सदस्य अध्यक्ष का चयन किया जाए, कर्मचारी चयन बोर्ड की भी ये प्रक्रिया अपनाई जाए यूपीएससी की तर्ज पर, या जज या विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री, ये तीनों मिलकर करें, ऐसे एक पारदर्शिता के साथ कोई कमेटी बनाकर करें। या फिर एक रास्ता यह है कि जो नए नियुक्त आईएएस आईपीएस जो ईमानदार है, तो मैंने कई उदाहरण दिए, ऐसे लोगों को लगाए जिनकी पूरी नौकरी बची हो, जो वो सही ढंग से काम कर पाए। क्योंकि युवाओं को सपनों को बचाने के लिए हमें इन संस्थाओं में बदलाव करना होगा, परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। बाबूलाल कटारी की संपत्ति जब्त करिए, गोपाल के साउथ की संपत्ति जब्त करिए, इनकी जांच करवाइए, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करिए। जिस प्रकार में एक चीज तो मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बाबूलाल कटारा जी के खिलाफ कार्रवाई की, जिस प्रकार गोपाल केसावत को पकड़ा, तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई और भी आगे कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी संपत्ति भी जब्त करनी चाहिए, इनके खिलाफ संपत्ति जब्त करनी चाहिए। देखो चुनावी साल में सबसे ज्यादा युवाओं को उम्मीद होती है कि उनकी जो मांगे, 5 साल से जिन मांगों के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, अपनी चपले घिस रहे हैं, वो पूरी होंगी। 25 जुलाई को एक बार फिर से शहीद स्मारक पर एक बड़ा बिगुल बजने वाला है, और वो बिगुल बजने वाला है उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में। किन मांगों को लेकर फिर से आप शहीद स्मारक का रुख कर रहे हैं, और वो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपको लगता है कि जल्द से जल्द पूरी हो? देखो 25 जुलाई को जो प्रदर्शन है, जिसमें महत्वपूर्ण जो कई मांगे हैं, जैसे ओमार सीट प्रकरण आया, गोपाल केसावत की जो मोबाइल पाई गई है, युवा पूछ रहे कि ओमार सीट कहाँ से, किससे मिली, कैसे मिली, कौन कौन लिप्त है, उन 2 सदस्यों का नाम आया, उसका पूरी जांच होनी चाहिए, यह जांच की बड़ी मांग है। युवाओं का विश्वास टूटा है, सरकार को विश्वास जीतना होगा, वापस इनके खिलाफ कार्रवाई करके। 1 लाख भर्ती की जो घोषणा की गई थी बजट में, पहले 10 फरवरी को घोषणा नहीं की गई थी, जब मैंने अंत्यागा वहाँ 15 तारीख को प्रदर्शन किया, उसके बाद 16 तारीख को घोषणा की गई थी। एक भी राजनेता नहीं बोल रहा। 2 महीने बचे हैं, जुलाई जा चुका है, अगस्त और सितंबर बचे, अक्टूबर मार्च से लग जाएगी। 1 लाख भर्तियों को क्या होगा, उनकी विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। 25 से 30 से 40 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं 1 लाख भर्तियों का। विभाग वाइज वर्गीकरण हो, उनकी भर्ती परीक्षाओं की कैलेंडर जारी हो, विज्ञप्तियां जारी हो, जिसके लिए मांग करें, ये भी बड़ी मांग हम रखेंगे, चाहे उसमें वो संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक हो, उसकी विज्ञप्ति जारी हो, चाहे वो अध्यापक भर्ती हो, चाहे पीटीआई हो, लाइब्रेरियन हो, ये संस्कृत शिक्षा विभाग भी, सामान्य शिक्षा विभाग में चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे दंत चिकित्सक हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पंचायती राज जयन हो, चाहे आयन हो, चाहे आईटीआई में कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे जो आरटेट में 82 नंबर वाले उनको शामिल करने की मांग हो, और चाहे मेरे पास तो जो पर्यटक गाइड्स ऐसे आए जिन बेचारों को एग्जाम लेकर उनको लिया, उनको कुछ मानदेय भी नहीं मिला, वो उनकी मांग हो, और जो चिकित्सा विभाग की जो कई लोग ब्लड टेक्नीशियन की जो कैडर बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग टेक्नीशियन है, वो उनकी मांग हो, और चाहे लंबित हो, चाहे नई भर्तियां हो, चाहे कानून में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, तत्काल इसको लागू करने की मांग है। तो युवाओं की तमाम मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले बजट की जो मांग है अधूरी है, उन भर्तियों की जो तमाम मांगों को लेकर 25 जुलाई को एक बार फिर मोर्चा खोल रहे। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, मैं इस चीज़ को मानूंगा, मुख्यमंत्री जी हमारी कई मांगों को मानूंगा। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कई भर्ती आई है, आई है राजस्थान में, केवल राजस्थान की युवा पेपर लीक से दंश झेल रहा था, लेकिन उम्मीद करता हूँ यह कानून सरकार धरातल पर लागू करके पेपर लीक माफियों का खात्मा भी करेगी, युवाओं के साथ न्याय भी करेगी। युवाओं के लिए आपका एक मैसेज, 11.5 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं की हर आवाज को आपने बुलंद किया है और कोशिश ये की है कि वो मांगे पूरी हो, उनके लिए एक मैसेज कि उपेन यादव जो 11.5 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और आगे भी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी युवाओं के लिए एक मैसेज। देखो ललित जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं कुछ चीजें भूल गया था, आप सोचिए इतनी चीज मुझे याद तो है। रीट पात्रता परीक्षा के लेकर हमारी सहमति बनी थी, और उम्मीद करता हूँ जल्द सरकार उस मांग को पूरी करे, इसको मांग को मजबूती से उठाएंगे, रीट पात्रता परीक्षा को लेकर, सीईटी को भी लेकर। सीईटी में राजस्थान पुलिस भर्ती के ये भर्तियों ने सीईटी दी नहीं, 17 लाख लोग बैठते थे, एलडीसी की स्थिति है, जूनियर अकाउंटेंट वाले कह रहे हमें भी राहत मिले, तो सीईटी में जो हम लगातार अभ्यर्थी जो राजस्थान पुलिस वाले एलडीसी वालों के साथ पटवारी वालों के साथ गलत हो रहा, कम से कम वो कह रहे 40% इसमें कीजिए, हुए मांग भी 25 जुलाई को हम उठाएंगे मजबूती से। रीट पात्रता ये भी, और सीईटी पात्रता के लिए लोग मांग कर रहे हैं, ये शिथिलता देते हुए पात्रता, कई चीज़ों को लेकर जो मांग है वो तो ही, संदेश यही है कि जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, यूं बेबाक तरीके से आवाज़ उठाऊंगा, आप मुझे चाहे लाठी मिले चाहे जेल मिले, कभी घबराया नहीं, आपने भी देखा है पिछली सरकार में संघर्ष किया, इस सरकार में संघर्ष किया। युवाओं से एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, साथियों सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, मैंने एक चीज़ कहा आज न्यूज़पेपर में छपाया कि हमारे संघर्ष की जीत हुई, ये कानून आया,
कई लोगों के पेट में दर्द इसलिए चलता है, कई राजनेताओं के चेले भी हैं, उनके ट्रोलर भी हैं। एक चीज बताओ, जब हमने सरकार से मांगा, जब 24 दिसंबर से 7 फरवरी तक हमने संघर्ष किया और सीएम के सामने मैंने जब अनशन तोड़ने के बाद मांग रखी और मांग मान ली, तो आप लोग यानी कि आपके और हमारे संघर्ष की जीत है कि नहीं है? 1 लाख भर्तियों की मैं मांग कर रहा हूँ, वो गलत मांग है क्या? आज पेपर लीक हो रहा है, ये केवल कोई भी हो ये एक दिन बोलेंगे चले जाएंगे। यहाँ 10 से 11 आंदोलन किए हैं, जब भी भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक होता है वो पेन यादव आपके साथ होता है, भर्तियां नहीं आती तो पेन यादव आपके साथ होता है, विज्ञप्ति जारी करवाने के लेकर परिणाम को लेकर ज्वाइनिंग को लेकर हर जगह मैं साथ रहता हूँ। कुछ लोग आते हैं एक दिन प्रदर्शन किया चला गए, अरे यहाँ तो मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए लड़ता रहता हूँ, किसी के बहकाव में नहीं आना। ये केवल कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतनी तो आइए 25 जुलाई को हम आंदोलन कर रहे हैं, आइए आपके साथ आपका भाई उपेन यादव मिलेगा, तो किसी की बहकाव में नहीं आना, लगातार आप लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लोग सवाल उठाते हैं कि एक दिन का आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते हो? तो साथियों, वो राजनीतिक लोग, इनके पास बहुत पैसे होते हैं, व्यवस्था होती है, हमारे पास व्यवस्था नहीं होती है, कई कारण होते हैं। कई लोगों के मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे वापस हो रहे हैं, उनके जो आजकल आप देखो विज्ञप्तियों में साफ लिखा है कि मुकदमा दर्ज हुआ उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जिस संगठन मैं चला रहा हूँ कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। उनके मुकदमे भी वापस होना जरूरी है, आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियाँ भी जारी होना वापस जरूरी है, और आपका कानून तत्काल लागू होकर आपका भविष्य बचना भी जरूरी है। साथियों, हर भर्ती के लिए, हर युवा के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो सही रणनीति के साथ, क्योंकि साथियों हम लोग किसी धागे को इतना खींच देंगे वो टूट जाएगा तो काम नहीं होंगे। हमें लड़ाई ऐसी लड़नी है कि हमने प्रदर्शन किया, हमारी कुछ मांग हो गई, वापस आ गए, फिर चले गए, हमें मांगों से मतलब है। यदि हम आंदोलन को राजनीतिकरण की तरफ ले जाएंगे तो मांगे पूरी नहीं होंगी और हमारा पतन हो जाएगा। आज अन्य राज्यों के हालात देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ये पेपर लीक राजस्थान में नहीं पूरे देश में हो रहे, लेकिन यहाँ पेपर लीक के बाद दोबारा एग्जाम भी हो रही है, कानून भी आ रहा है, भर्तियां भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं राहत तो मिल रही है, ये संघर्ष का परिणाम है। आज मैं लड़ रहा हूँ, 12 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष आएगा, आप जनवरी में देखना, फिर आपको एहसास होगा कि एक व्यक्ति लड़ता भी था, जेल भी जाता था, और आर्थिक तौर पर वो कहाँ से जुगाड़ करता था कि वो प्रदर्शन के लिए, हर चीज के लिए कहाँ से वो जुगाड़ करके और संगठन को चला रहा था। और जब जाने के बाद आप लोगों को एहसास होगा, अभी तो राजनीतिकरण जो लोग बयान दे रहे हैं उनको आपको आने की आवश्यकता नहीं, उनकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं। मैं जब हम सड़कों पे सो रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल में जा रहे थे, तब ये सब लोग चुप थे। अब चुनाव आ गए, हर कोई युवा ऐसी बनने की कोशिश करेगा, इन लोगों से आपको बच के रहना, और आप लोगों को जानना है कि हम खून के आंसू रो रहे थे जब सड़कों पे सो रहे थे, तब हमारे साथ कौन था। अब समय आ गया आपको उनसे सवाल पूछने का, अब समय आ गया उनसे कहो कि हमारी आवाज बुलंद करो, मुख्यमंत्री से मिलो, हमें न्याय दिलाओ, और न्याय नहीं दिलाते तो उनके विरोध करो और जवाब दीजिए, इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। ये तो कानून वाला चल ही रहा है, 1 लाख भर्तियों को राजनेता भूल गए। मैं चाहता हूँ 1 लाख भर्तियों का परीक्षा भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, 1 लाख भर्तियों का विभाग वारीकरण हो, जो 1 लाख प्रक्रियाधीन है, 48,000 तो है तृतीय श्रेणी शिक्षक के, और इसके अलावा पीटीआई है, चिकित्सा सेवा की जो भर्तियां हैं वो 1 लाख प्रक्रियाधीन लगभग है, वो आचार संहिता से पहले पूरी हो, उनकी ज्वाइनिंग हो, और इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, इस बार चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो, बेरोजगारी रोजगार पेपर लीक मुद्दे पर हो, और यह कानून सरकार धरातल पर लागू करके एक मिसाल पेश करे, जितने जब बाबूलाल कटारा, चक्की गोपाल केसाव, तो सबकी संपत्ति जब्त करे, सरकार एक कड़ा में सिद्ध, और इनका आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता के साथ ईमानदार और अच्छे व्यक्ति करे, यूपीएससी के तर्ज पर करे, जो लगातार हम मांग करें, सिस्टम को सुधार करे, युवाओं के साथ न्याय करे, ये लगातार इसके लिए संघर्ष जारी है। 25 जुलाई को एक बार फिर हम आवाज बुलंद करेंगे युवाओं के अधिकारों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए। बिल्कुल, युवाओं के अधिकारों और युवाओं के भविष्य के लिए जो आवाज बुलंद 11.5 साल पहले हुई थी वो लगातार जारी है। अपनी मांगों से युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले, इसके साथ ही पिछले 2 सालों से जो संघर्ष चला आ रहा था कि जो भी नकल और पेपर लीक में शामिल है उनके खिलाफ उम्र कैद की सजा है, इसके साथ ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। कानून ये विधानसभा में पारित हो चुका है, आधा काम हो चुका है, आधा काम ये है कि ये धरातल पर लागू हो, और युवाओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द ये धरातल पर लागू हो। इसके साथ ही जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई थी उनकी विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी हो। हमारे साथ उपेन यादव जुड़े थे, बहुत सारे युवाओं के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर इन्होंने बात की। इसके साथ ही इनका ये मैसेज भी है कि 11.5 साल से जो संघर्ष चला आ रहा है वह आगे भी जारी रहेगा, और जब जब युवाओं को उपेन यादव की जरूरत पड़ेगी वो उनके लिए खड़े भी रहेंगे। तो द नगरी न्यूज़ के इस खास पेशकश में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।